तो लाइव रिजल्ट हब से एक बार फिर से उस अपडेट के साथ, क्योंकि अब लगभग जो सभी रुझान थे वो परिणामों में बदलने लगे हैं और ये बदलते हुए परिणाम इशारा कर रहे हैं एक सरकार के गठन का। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर फोकस तरीके से बात करेंगे, उसके बाद अलग अलग स्टेट्स में आपको लिए चलेंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो लगभग सभी सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और अभी की जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटों पर लीड कर रही है, जिसमें से काफ़ी सीट्स की जो स्थिति है वो क्लियर हो गई है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स ने जीत हासिल कर लिया। बड़े चेहरों की हम बात करेंगे, शिवराज सिंह चौहान हूँ या शंकर लालवानी, जो कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मत लेकर के जीत उन्होंने दर्ज किया, 10 लाख से ज़्यादा मतों से उनकी जीत हुई है और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इंदौर में एक और रिकॉर्ड बना, वो ये कि इंदौर में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट ने अपना नॉमिनेशन वापस लिया, उसके बाद नोटा को जिस तरह से प्रमोट किया गया, तो नोटा पर रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, 1,35,000 से ज़्यादा का आंकड़ा अभी तक जब हम ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं उसमें आंकड़ा अब तक सामने आया। आगे ये और कितना जाएगा ये भी एक देखने का विषय रहेगा, लेकिन मध्य प्रदेश के लिहाज से हम बात शुरू करेंगे। अंशिका मेरी सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। अंशिका, एक लंबा समय 7 चरणों में चुनाव हुए, 4 चरणों में मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिस पर हमने बात की, जिस पर हमने जानने की कोशिश की लोगों की राय और नेता किस तरह से उसे प्रमोट करें, लेकिन ये जो रिजल्ट रहा ये एकदम चौंकाने वाला था और जो एग्जिट पोल था उस पर भी लोगों को ये था कि कम से कम 28 या 27 सीटें आएंगी, एग्जैक्ट पोल नहीं बनेगा एग्जिट पोल, लेकिन एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदल गया। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि मध्य प्रदेश की 29 सीटें और 29 सीटों में से 29 सीटें बीजेपी की ओर जाती नजर आ रही हैं। अब तक किस किस ने जीत हासिल कर ली है वो नाम भी मैं फटाफट से बता देती हूँ दर्शकों को। इंदौर से शंकर लालवानी जीत चुके हैं, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया जीत चुके हैं, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान जीत चुके हैं, खजुराहो से वीडी शर्मा जीत चुके हैं, वो भी बहुत अच्छे वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। टीकमगढ़ की अगर बात करें तो वीरेंद्र कुमार, रतलाम की बात करें तो अनिता नागर, देवास महेंद्र सिंह सोलंकी, होशंगाबाद से दर्शन सिंह, मंडला से फग्गन सिंह गुलस्ते ने जीत हासिल कर ली है। बैतूल की बात करें तो यहां से भी जो है जीत हासिल कर ली गई है। खंडवा की बात करें तो ज्ञानेश्वर पाटिल ने जीत हासिल किया, शहडोल से हिमाद्री सिंह ने जीत हासिल कर ली है। तो मैक्सिमम सीट्स पर जो कैंडिडेट्स हैं वो जीत चुके हैं और अगर बात करें हम इंदौर की तो वो इसलिए भी ज्यादा नजरों में क्योंकि यहां पर नोटा को ही 1 लाख से ज्यादा वोट मिल चुके हैं आशीष, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि अब तक इतनी सारी वोट नोटा को नहीं मिली थी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट थी जिस पर कि फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव लड़ रहे थे, ओंकार मरकाम उनके कांग्रेस पार्टी के उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। इस सीट की जब हम चर्चा करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि दोनों ही कैंडिडेट इक्वली टक्कर के थे, बराबरी रूप से राजनीतिक उनके अनुभव हैं, हालांकि वो केंद्र में मंत्री थे, बस ये कितना बड़ा फर्क हमें जरूर दिखाई दे रहा था। बहुत डामाडोल सी स्थिति थी, लेकिन एंड मोमेंट पर जो रैलियां हुई, जो कार्यक्रम हुए, जो बड़े नेता आए, क्या उसका परिणाम रहा कि फग्गन कुलस्ते जीते? हाँ, वो भी ये एक भी बड़ा फैक्टर है। हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडला गए थे, कई बार उन्होंने रैलियां भी की, उन्होंने बहुत सारी सभाएं भी की, रोड शोज भी किए उन्होंने। इसके अलावा मोहन यादव हमें नजर आए थे, उन्होंने भी रोड शोज और रैलियां की थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बहुत इफेक्ट यहाँ पर पड़ा क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को हमने देखा कि जब तक हालांकि उनकी माता के बारे में खबर नहीं आई थी उसके पहले वो खूब लोगों के बीच में नाचना गाना भजन गाना, उनके बेटे को हमने देखा कि कैसे वो औरतों के साथ भजन कीर्तन करते नजर आए थे। तो ये सारे लोग एक साथ नजर आए थे हमें, और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गए थे फग्गन सिंह कुलस्ते के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हम कह सकते हैं। मध्य प्रदेश में 29 सीटें जो है वो बीजेपी की ओर जाती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं अगर तो छत्तीसगढ़ भी अहम हो जाता है क्योंकि यहाँ पर अभी मौजूदा समय में सुबह तक हम देख रहे थे कि 9 सीटें जो हैं बीजेपी के लिए जा रही है लेकिन अभी 10 हो चुकी है। इसमें ये जो 10वीं सीट थी वो है राजनांदगांव की, जहाँ पर अचानक से भूपेश बघेल जो हैं वो पीछे हो गए हैं और इसके अलावा जो संतोष पांडे कैंडिडेट है वो अब आगे नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो डिफरेंस है वो नजर आ रहा है। और एक कोरबा की सीट है जहाँ ज्योत्सना महंत आगे नजर आ रही है। अभी इंतजार क्योंकि करना होगा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की जो फुल एंड फाइनल मैं कहती हूँ नतीजे, उसका थोड़ा और इंतजार करना होगा जब रिजल्ट्स आ जाएंगे। बिल्कुल, और रिजल्ट्स ऑलमोस्ट क्लियर हो ही चुके हैं, लेकिन अभी टैली में क्या अपडेट चल रहा है एक बार बात करेंगे। हमारे साथ लगातार सुबह से 6 बजे से इस टैली पर मौजूद हैं अग्निवेश, हमारे सहयोगी अग्निवेश। सुबह से ये समय हो गया है और 13-14 सीट बीजेपी की मध्य प्रदेश में क्लियर भी हो गई है, रुझान में वो अभी भी आगे ही दिखाई दे रही है। अगली किन सीटों पर आगे आप देख रहे हैं जिन पर कि रिजल्ट क्लियर होने वाला है, मार्जिन कम या ज्यादा कैसे देखते हैं? अभी छत्तीसगढ़ की राघोगढ़ सीट एक है, उस पर शायद अभी 2-4 मिनट के अंदर रिजल्ट क्लियर हो जाए। हैं, बाकी एमपी की कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर 7-8 मिनट के अंदर रुझान जो है वो जीत में कन्वर्ट होने वाले हैं।
ठीक है, और ये जो रुझान है अब वो परिणामों में बदलना शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी तक की जो रिजल्ट्स की हमने स्थिति देखी उसमें ये साफ दिखाई दिया है कि छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो दबदबा है वो उसी तरह से कायम है। लेकिन यहाँ के बड़े फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो बड़े फैक्टर्स क्या रहे? बड़ी रैलियाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आकर यहाँ इन क्षेत्रों में की, चाहे मध्य प्रदेश की हम बात करें, ताबड़तोड़ रैलियाँ होती थी, हर दूसरे दिन तीसरे दिन बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का वहाँ होता था। अमित शाह एक बड़ा फैक्टर रहे जिन्होंने वहाँ की खुद की जो स्ट्रैटर्जी है वहाँ पर लगाई, और उसके लिए उन्होंने न सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय को काम पर लगाया बल्कि कैलाश विजयवर्गीय की वो रणनीति यहाँ पर सफल भी रही। अंशिका से बात करेंगे। अंशिका, कैलाश विजयवर्गीय एक बड़ा फैक्टर रहे छिंदवाड़ा की जीत को लेकर, उन्होंने दो जगह दावे किए थे, एक उन्होंने इंदौर के बड़े मार्जिन का दावा किया था और दूसरा उन्होंने एक दावा किया था कि छिंदवाड़ा की सीट इस बार हम जीत रहे हैं। तो ये अमित शाह वाया कैलाश विजयवर्गीय वाया जो वहाँ पर विवेक बंटी साहू जीते, ये फैक्टर कितना कारगर दिखाई दिया और ये काम भी किया जैसा ही दावा कैलाश विजय। अच्छा, आपको एक वो खबर भी आपको याद होगी जिसमें ये चर्चा हो रही थी कमलनाथ बीजेपी में शामिल होने वाले हैं और उसको लेकर एक दो दौर की शायद बातचीत भी हुई थी और कमलनाथ दिल्ली भी आ गए थे तो सबको ये लगा, राम जी का झंडा भी लगा था उनके घर पे, वाकई में सबको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शामिल हो रहे हैं। लेकिन ठीक है, वो फिर से उनकी अपनी बातचीत हुई होगी और फिर जाके सारी चीजें सॉल्व हो गई है। लेकिन छिंदवाड़ा में हम देखें तो नकुलनाथ पर भारी नजर आए विवेक बंटी साहू इसलिए भारी नजर आए क्योंकि छिंदवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सभा हुई थी और वहां पर एक मोदी फैक्टर जो है मध्य प्रदेश में वो बहुत ज्यादा नजर आया। हालांकि जो महिला वोटर्स हैं वो इन राज्यों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा मायने रखती है, उनके वोट्स काफी ज्यादा अहम हो जाते हैं और महिला फैक्टर को अच्छे से बीजेपी ने साधा इस बार। और बिल्कुल, और महिला का जो फैक्टर है वो बीजेपी के लिए हमेशा से ही कारगर रहा है, चाहे चुनाव लड़ाने के विषय में उन्होंने महिला कैंडिडेट्स को उतारा हो या फिर महिलाओं के मुद्दों को उठाया हो। चूंकि जिस तरह से नारी शक्ति वंदन बिल लाया गया उसका असर हमने विधानसभा चुनाव में देखा, हालांकि अभी उसको प्रभावी होने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इसके बाद आज का जो रिजल्ट है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही की स्थिति को बयां करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वक्त आप ये, मैं चाहूँगा अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि एक बार ये पूरी तस्वीर दिखाएं, इस वक्त लाइव जो रिजल्ट हब ये हमने तैयार किया है, यहाँ पर सभी स्टेट्स मध्य प्रदेश हरियाणा पंजाब राजस्थान हिमाचल प्रदेश और उसके आगे अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश दिखाई दे रहा है, उसके बाद ओडिशा और इसके बाद आगे तक अगर नज़र जाए तो महाराष्ट्र और फिर साउथ के कर्नाटका और उसके अलावा बात करें तो कर्नाटका के साथ साथ जो अन्य स्टेट्स हैं यहाँ पर, और साथ ही जो इलेक्शन सेंटर में या इस लाइव रिजल्ट हब में दादर और नगर हवेली दिल्ली समेत जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ की भी स्थिति हमने यहाँ से लगातार आपको दिखाई है। और यहाँ पर अगर हम बात करें जो हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबह 6 बजे से ही बने रहे, एक एक रिएक्शन उनकी अपनी फीलिंग की इस काम को लेकर के कितना एक्साइटेड वो थे और कैसे उन्होंने काम किया ये ज़रूर मैं चाहूँगा शुरू करेंगे। सुबह से कितने कप कॉफ़ी पी चुके हो आप और कितना काम करना भी बाकी है? सर दिन की तीसरी चाय। सिर्फ 3 चाय में हो गया पूरा इलेक्शन? सर चाय की बात नहीं है सर, जो वो एक्साइटमेंट उससे ज़्यादा बड़ा था। ये जो रिजल्ट आप देख रहे थे, जो टैली आप भर रहे थे, उसमें आपने सबसे ज़्यादा नोटिस क्या किया, जहाँ पर बड़ा अंतर रहा हो या जिन लोकसभा सीटों पर अभी की स्थिति आप जो देख रही हैं उसमें कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहिए? जैसे जो भी VIP सीटें हैं वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होता है और जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया लगभग 2.5 लाख वोट से वो जीते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ा मार्जिन है और मध्य प्रदेश में ऐसा अभी तक जो मैं लीड देख रही हूँ वो भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा जीत रहे हैं। बिल्कुल, और क्लीन स्वीप लगभग हो ही गया है और भी हमारे सहयोगी उनसे भी रिएक्शन लेंगे। एक बार उत्तर प्रदेश का हाल अपने दर्शकों को बता देते कि उत्तर प्रदेश में क्या बड़े फैक्टर्स रहे। हैदर हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। हैदर, लगभग सुबह 5:30-4 बजे यहाँ पर आ गए थे, कितने बजे आ गए थे आप? हम आ गए थे सुबह 5 बजे यहाँ पर आ गए थे और सुबह 5 बजे से अब ये शाम लगभग होने को है और सारे रुझान अब परिणामों में बदल चुके। उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा झटका बीजेपी को एक्सपेक्टेड था? जी बिल्कुल, एक्सपेक्टेड नहीं था ये, लेकिन इसमें इस बार ये देखने को मिला है कि जिस तरह से सपा ने और कांग्रेस ने मेहनत करने की कोशिश की, या आप ये कह लीजिए कि जो NDA के कांग्रेस के वो प्रत्याशी जिन्होंने सिर्फ मोदी जी के नाम पर चल रहे थे वो चीज़ देखने को मिली है कि उसका आज सपा इस बार, अभी राहुल गांधी भी जीत गए हैं रायबरेली से 4 लाख तकरीबन 4 लाख वोटों से, एग्जैक्टली वो फिगर नहीं आई अभी, तकरीबन 4 लाख वोटों से राहुल गांधी जीत चुके हैं। अमेठी की क्या स्थिति लग रही है? अमेठी से
स्मृति ईरानी लगभग हार के करीब है, काफ़ी पीछे हैं, अभी फाइनल राउंड चल रहे हैं, अभी फाइनल वो नहीं आया, लेकिन काफ़ी पीछे स्मृति ईरानी चल रही है। और रायबरेली से राहुल गांधी जीत ही रहे हैं, अमेठी स्मृति ईरानी के हाथ से निकल रहा है, और भी कई केंद्रीय मंत्री लगभग 5 से 6 केंद्रीय मंत्री यूपी में, संजीव बालियान पीछे चल रहे हैं मुजफ्फरनगर में, उसके अलावा कौशल किशोर महाराजगंज में पीछे चल रहे हैं, अजय मिश्रा टेनी हार चुके हैं लखीमपुर खीरी, ये लखीमपुर खीरी कांड का परिणाम जी बिल्कुल ये उसी का परिणाम लग रहा है कि जो उस वक्त जो सारे ब्रजभूषण शरण के बेटे चुनाव लड़ रहे थे, हाँ वो अभी आगे चल रहे हैं, करण भूषण आगे चल रहे हैं कैसरगंज से। तो ये किसका असर है, ये ब्रजभूषण का असर है या बीजेपी का, दोनों का। लेकिन ये समाजवादी पार्टी का जो अंडर करंट है, ये 30+ सीटों पर अभी भी लीड बनी हुई है, काफ़ी सीटें अभी क्लियर भी हुई हैं, ये किसी को आइडिया नहीं था कि क्या समाजवादी पार्टी इतना आगे तक जाएगी, इस बारे में कोई चर्चा पहले नहीं हुई? नहीं नहीं बिल्कुल, ये जो चीज़ें हैं थोड़ी चौंकाने वाली हैं कि जिस तरह से सपा इतनी ज़्यादा सीटें लेके आई है, कांग्रेस और सपा के गठबंधन ने इतनी सीटें ली हैं और ख़ासतौर से सपा ने अकेली इतनी सारी सीटें जीती हैं, तो वो वाकई में चौंकाने वाली चीज़ें, उनका इतना ज़्यादा पहले से अंदाज़ा। विधानसभा चुनाव बिल्कुल एकदम नज़दीक हैं अब इसके लोकसभा के बाद, तो ये लोकसभा के जो रिजल्ट हैं ये विधानसभा में परिलक्षित होंगे? बिल्कुल ऐसा तो देखने को मिल सकता है, चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, हालांकि लोकसभा और विधानसभा की चीज़ें अलग अलग होती हैं, लेकिन और जिस तरह से यहाँ पे यूपी में योगी जी का क्रेज़ है तो उस वजह से हो सकता है इतना सा ना देखने को मिले, लेकिन हाँ चीज़ें तो देखने को मिलेंगी ऐसा तो दिख रहा है। लेकिन हैदर हमने देखा था कि मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव जब 2018 में हुए उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी, सरकार कांग्रेस पार्टी ने बनाई, हालांकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था बीजेपी और कांग्रेस का, लेकिन फिर लोकसभा के चुनाव हुए तो उस लोकसभा के चुनाव में 28 सीटें प्रदेश की जनता ने दे दी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि अभी सीटें बहुत कम बीजेपी को मिल रही हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति बदलेगी, क्योंकि दिल्ली में भी हमने देखा कि बीजेपी को 3 विधायक दिए, उसके बाद 7 के 7 सांसद बीजेपी के दे दिए गए, इस बार भी देखिए अब 7 सांसद बीजेपी की लीड कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, तो ये कहा नहीं जा सकता कि लोकसभा का चुनाव का बहुत ज्यादा असर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कुछ असर तो जाहिर सी बातें देखने को मिलेगी, कुछ तो फर्क पड़ेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से, अब चूंकि ये चर्चा उत्तर प्रदेश की हुई है तो इसके साथ साथ इसके पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की भी हम बात करें, तो उत्तराखंड में क्या रिजल्ट रहा और अभी तक की टैली क्या कह रही है, एक बार बात करेंगे, हमारे सहयोगी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उत्तराखंड की टैली आप देख रहे हैं कितनी सीटों पर रिजल्ट क्लियर हो चुके हैं अभी तक? अभी तक तो 5 सीटों में बीजेपी का ही डोमिनेंस है फिलहाल, अभी तक यही खबर है जी। तो अभी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर 5 सीटों पर लीड है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत की ओर है, बाकी सीट्स पर अभी क्लियर होना बाकी है, और कुछ और जो पड़ोसी राज्य हैं हमारे, हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा में भी एक बड़ा उलटफेर होता दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका यहाँ पर लगा, चूँकि हरियाणा का जो राजनीतिक परिदृश्य थोड़ा सा बदला, जो 2 चाबियों के साथ जननायक जनता पार्टी ने सत्ता में सहयोग किया भारतीय जनता पार्टी का, वो ज़्यादा लंबा चल नहीं सका, एक टेन्योर निकालने के बाद ख़त्म होने से पहले ही वहाँ पर हमने देखा कि मनोहर लाल खट्टर के साथ थोड़ी खटपट या फिर राजनीतिक जो संतुलन थोड़ा सा बिगड़ा, उन्हें हटा करके फिर वहाँ पर मुख्यमंत्री बदलना पड़ा और फिर जननायक जनता पार्टी को बीजेपी से अलग होते हमने देखा, उसका ही क्या परिणाम ये लोकसभा चुनाव में यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि 5 सीटें लगभग बीजेपी के हाथ में आ रही हैं, जो लगभग 10 सीटें बीजेपी के पास हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर स्थिति बदल गई है। हरियाणा के अलावा कुछ और राज्यों की यदि बात करें तो राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में भी स्थिति जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर ने जीत हासिल की है, लोकसभा चुनाव में एक बड़ा अंतर उन्होंने जीता। एक और बात यहाँ पर हमारे सहयोगी अंशिका मौजूद है, मैं उनसे जरूर इस पर चाहूँगा चर्चा करना, अंशिका अगर आप खड़े होंगे तो फ्रेम हमारा अच्छा बनेगा। एक बात ये कि जो नेता ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, जैसे अनुराग ठाकुर का मैंने देखा वो लगातार युवाओं से जुड़ते रहे, वो कभी एक राउंड में भी पीछे नहीं गए, और ऐसे कई नेता हैं जो लोगों के साथ जुड़े रहते हैं तो वो कहीं भी पीछे रहे नहीं और जीत करके वो आगे आए हैं, लेकिन कई सारे ऐसे नेता हमने देखे वो पहले ही राउंड से पीछे चल रहे हैं और फिर अगर उनके थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड में जाएं तो वो किसी ना किसी तरीके से लोगों से बचते हैं या पब्लिक फिगर वो नहीं रह जाते, क्या यही एक कारण रहता है कि ऐसे नेताओं को लोग जीतने के लिए दोबारा जीतती है, तीसरी बार जिताती है, चौथी बार जिताती है? यूपी में कई सारे नेता ऐसे आशीष जो निकले ही नहीं बाहर, और उसी का ये नतीजा है कि ओवर कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं गए। हालांकि हमने देखा कि जो राजधानी में मंत्रिमंडल में हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े नेता रहे, जिसमें कि अनुराग ठाकुर हो गए, इसके अलावा हमने देखा मनसुख मांडविया को भी, वो भी यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ गए, उन्होंने वहाँ पर प्रचार प्रसार किया था, उन्होंने विधानसभा में भी प्रचार प्रसार किया था। ऐसे कई बड़े लीडर्स हमने देखे जो बाहर निकले, अलग अलग राज्यों में गए,
खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन यूपी के जो नेता है खासतौर पर वो बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकले, जिसका ये अंजाम है कि अभी 35-36 सीटें ही दिख रही हैं यूपी में बीजेपी को। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर लोग ये सोचते हैं, नेता ये सोचते हैं कोई बात नहीं हमारे लिए तो मास्टर कार्ड हमने खेल दिया चल जाएगा, तो जनता जवाब दे देती है। मास्टर कार्ड का आपने जिक्र किया, मास्टर कार्ड के लोकसभा क्षेत्र में भी आप गए थे, आप नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, वाराणसी आप गए, आप 4-5 दिन वहां थे, हालांकि बहुत गर्मी थी लेकिन सियासी सरगर्मी कैसी देखी आपने वहाँ पर? तो खैर मैं क्या बताऊँ, मतलब वहाँ मोदी की आंधी थी जिसे कहते हैं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं उनके काम को। और उन सबसे बड़ी बात होती है, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले कहा, लोगों से कनेक्ट होना। प्रधानमंत्री जब भी मंच पर रहते हैं ये उनका एक जो कहते हैं ना फैक्टर है कि जब भी वो किसी भी राज्य में जाते हैं पहले तो वैसी वेशभूषा, वैसी भाषा, एक ही वर्ड बोलेंगे कि बनारस के लोगन काबा, इतना ही बोल देंगे, वो वहाँ के लोगों को उतना ही काफी है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब आप लोगों के बीच में जा रहे हैं तो जाना ही काफी नहीं है, कैसे जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और यही कुछ वाराणसी में भी जनता जो है, जिसने सुना, जिसने देखा, आप देखने वाली बात जो चीजें आपको दिखाई देती है वो आप ज्यादा याद रखते हैं। कई बार आप किसी की कही हुई बात को इतना याद नहीं रखते जितना आप लोगों को देखते, तो उनका जो पूरा विजुअल मेमोरी की बात कर रहे हैं अंशिका, कि विजुअल मेमोरी जो है वो बहुत इफेक्टिव होती है, इम्पैक्टफुल होती है, और उसका ही एक रिजल्ट है कि लोगों के बीच जाने वाले नेता याद रह जाते हैं, लेकिन जिन्हें लोग भूल जाते हैं वो भुला दिए जाते हैं। इसी तरह से लोगों के बीच जाकर काम करने वाले ही लोगों को जनता पसंद करती है। और इस लाइव रिजल्ट हब में हमने जो अब तक एनालिसिस किया, जो नेता पहले राउंड से ही आगे चल रहे थे और जो नेता हर राउंड में आगे चल रहे थे और फिर वो जीत कर के आए, वो आप उनके बैकग्राउंड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो लोगों के बीच जाने वाले नेता हैं, वो युवाओं से, महिलाओं से, बुजुर्गों से, बच्चों से, सभी मुद्दों पर बात करने वाले नेता हैं। और जो ज़्यादा बवाल मचाने वाले नेता हैं खाली सुर्खियों में आने के लिए, जो इस तरह के राजनीतिक कार्ड्स खेलते हैं, वो देखे जा रहे हैं, इस बार बड़े मार्जिन से हार रहे हैं। बहरहाल इसका एनालिसिस तो पार्टी स्तर पर भी होगा। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी अपडेट्स आप तक पहुँचाते रहेंगे।